चैंपियंस वनडे कप के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है। पांचों मेंटोर्स को टीमें भी सौंप दी गई हैं। बाबर आजम ने शुएब मलिक की स्टैलियंस टीम की कप्तानी से माजरत कर ली है। इसी पर बात करेंगे मजीद हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील अहमद, आगाह कीजिएगा। दूसरी जानब बाबर आजम ने शुएब मलिक की स्टैलियंस टीम की कप्तानी से भी माजरत की है, इसकी क्या वजह सामने आ सकी? जी बिल्कुल, जो हमारे जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि चैंपियंस वनडे कप के लिए पांच टीमों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शुदा खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है, जबकि पांच टीमों के बकिया खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग आज होने का इम्कान है। 150 खिलाड़ियों का इंतखाब आज किए जाने का इम्कान है। पांचों टीमों के मेंटोर्स को टीमें सौंप दी गई हैं। मिसबाह लॉक को वुल्व, शुएब मलिक को स्टालियंस, वकार यूनुस को लायंस सौंपे जाने का कभी इम्कान है। सरफराज अहमद डॉल्फिन और सकरैन मुश्ताक को पैंथर्स का मेंटोरशिप मिलने का इम्कान है। पांचों टीमों में इंजरी का शायद खिलाड़ियों को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। शहनशाह अफरीदी जो है वकार यूनुस की टीम के कप्तान बनाए जाएंगे, जबकि सऊद शकील और सरफराज अहमद जो है शदाब खान को सकरैन मुश्ताक की टीम सौंपी जाएगी। बाबर आजम जो है वो उन्होंने शुएब मलिक की टीम का कप्तान बनाने की जो ऑफर की है, लेकिन जो हमारे जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बाबर आजम ने स्टालियंस की कप्तानी लेने से माजरत कर ली है। शान मसूद को स्टालियंस का कप्तान बनाए जाने पर गौर किया जा रहा है। ठीक, अकील अहमद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।